नमस्कार नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और यहाँ पे हम बात करेंगे, वर्ल्ड कप का माहौल है तो वर्ल्ड कप के बारे में और क्रिकेट के बारे में ओवरऑल। तो मेरे साथ यहाँ पे क्रिकेट को बहुत दिनों से देख रहे हैं तो हम दोनों उसी बारे में चर्चा करेंगे आज। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर भी इस चैनल को और साथ में जो वीडियो है उसको शेयर करें, इससे हमारा चैनल ग्रो करता रहेगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात है कि आज के मैच के ही बात कर लेते हैं। तो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया वैसे भी 2 विकेट गिर चुके हैं, श्रीलंका ने भी 209 रन बनाए हैं। तो इसके बारे में आपका छोटा सा क्या एनालिसिस है? ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है और बहुत बार वो उसने ये मेडल जीता है, इसका 5 times वर्ल्ड कप चैंपियन लगभग। तो उम्मीद तो करते हैं इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति जरूर सुधर जाएगी। और श्रीलंका का चूंकि परमानेंट कैप्टन जो है वो इस बार खेल नहीं रहा है, बैटिंग इस बार श्रीलंका की बहुत जल्दी धरातल पे पहुंच गई क्योंकि 2 matches में इन्होंने 300 के ऊपर रन मारे हैं शायद। चूंकि शुरुआत तो बहुत अच्छा किया था लेकिन पता नहीं नया कैप्टन के कारण या कुछ आपसी विवाद हो, पता नहीं, कहना मुश्किल है। तो इसीलिए दोनों खिलाड़ी जो शुरू वाले थे, पहला और दूसरा, दोनों के आउट होने के बाद स्थिति बिगड़ती गई। और जहां हम लोग उम्मीद कर रहे थे जो 300 से ज़्यादा होगा, उतना नहीं जाके 209 पर ही सिमट गई टीम। और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जो चूँकि 2 मैच हार चुका है, 3रा मैच है, तो ऑस्ट्रेलिया भी उम्मीद करेगा जो इस सदमे से उबर जाए। और जैसा लग रहा है जो वो संभवतः इस बार जीत की राह पर है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 165 रन से डायरेक्ट 209 रन पे ऑल आउट हो गई श्रीलंका की टीम, मतलब कि लगभग 44 रन में ही इनके बाकी। यहाँ पे डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ दोनों आउट हो गए, दोनों LBW हो गए हैं। तो मार्नस लबुशेन बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इसीलिए उसके बाद भी खिलाड़ी तो उसके मिशेल स्टार्क या पैट कमिंस वो भी बैटिंग अच्छा करते हैं, इसीलिए चांसेस तो अच्छे हैं। चलिए ये तो हो गई आज के श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच। अब आते हैं, पहले तो हम भारत के बारे में जानना चाहेंगे कि भारत का जो अभी सिनेरियो है, जैसी टीम है, जैसा उनका मैचेस जा रहे हैं, खासकर जैसे ही एशिया कप में इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस थी, भारत को कोई चूज़ भी नहीं कर रहा था उस एशिया कप में, क्योंकि जो फेवरेट थी वो पाकिस्तान की टीम थी, नंबर 1 थी वो। और आज देख रहे हैं कि भारत के सभी खिलाड़ी वो परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपने फॉर्म में हैं। कई खिलाड़ी इंजरीज़ के बाद 1-1.5 साल बाद आ रहे हैं, कई खिलाड़ी जो है वो नए हैं, आज इनका पहला वर्ल्ड कप है। और एक्सपीरियंस जो है वो रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो दोनों सीनियर प्लेयर ड्राइव कर रहे हैं बाकी सारी टीमों को। तो ओवरऑल जो 2019 में भारत हारी थी और आज के टीम में आपको कितने ज़्यादा चेंजेस या किस तरह के आपको मतलब? नहीं, अभी के समय में जो भी खिलाड़ी हैं उसमें आपसी प्रतिद्वंदिता, जो किस नंबर पर खेलेंगे या टीम में सिलेक्शन होगा कि नहीं, पॉजिटिव कंपटीशन है और सभी खिलाड़ी अपना बेस्ट देना चाहते हैं। तो इसीलिए अभी के समय में वर्ल्ड कप जो चल रहा है तो आपसी तालमेल बहुत है, बैट्समैन अपना रोल जानते हैं, बॉलर अपना रोल जानते हैं, जो भी थोड़ी कमी लग रही है हमको वो फील्डिंग के क्षेत्र में, जो चूँकि कैचिंग या फिर ग्राउंड फील्डिंग
इस समय अगर अच्छे हो जाए तो 20-30 रन तो बच जाते हैं और इसका भी काफ़ी फर्क पड़ता है, जबकि बहुत सारे देश जो हैं वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इसीलिए उम्मीद है कि इंडिया इस चीज़ में, इस क्षेत्र में अपने को सुधारेगा और अच्छा करेगा। तो चलिए अब भारत की बात करें तो भारत पाकिस्तान का एक जो हाइप था वो 14 तारीख को हमें देखने को मिल गया, लेकिन वो हाइप उस स्तर पे नहीं रही क्योंकि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वो एवब एवरेज भी नहीं कह सकते, एवरेज ही रही पाकिस्तान है, उससे के भी साथ नीचे। अभी जो लग रहा है जो आपस का तालमेल नहीं है, पता नहीं खिलाड़ियों के बीच नहीं है या मैनेजमेंट के साथ भी नहीं है, क्या है ये तो अंदरूनी बातें हैं, लेकिन अच्छा खिलाड़ी रहने के बावजूद भी इस टीम का स्थिति अभी के समय में ठीक नहीं है। और जो लक्षण दिख रहे हैं जो आगे भी चांसेस इसका गड़बड़ है, मतलब अच्छे अच्छे खिलाड़ी होते हुए भी गड़बड़ है और इनका वर्ल्ड नंबर रैंकिंग भी वन था एक समय तक। हाँ, और जैसे भारत की बात है, भारत से प्रतिद्वंदिता जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐसे श्रृंखला होती है, वही स्थिति हमारे पाकिस्तान और इंडिया के बीच थी 90 और 2000 के दशक में, तो ये बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा था। टीम भी बहुत अच्छी थी, उसके बैट्समैन, उसके बॉलर, फील्डर सब अच्छे थे, लेकिन पता नहीं धीरे धीरे क्यों वहाँ की स्थिति, वहाँ का देश का जो अंदरूनी मामला है वही रिफ्लेक्ट, सब कुछ गड़बड़ हो गया जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके खेल पर। और वो जैसे जिस दिन मैच हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, लग ही नहीं रहा था जो पाकिस्तान के साथ इंडिया खेल रहा है, लग रहा था एक साधारण टीम के साथ खेल हो रहा है। बिल्कुल, तो वो चीज़ उसको तो आपस में उन लोगों को सोचना होगा, सुधारना होगा, ताकि जितना कॉम्पिटिटिव टीम था वो बना रहे और उसके खिलाड़ी को भी बहुत ज़्यादा मौका मिले। तो आपको लगता है कि एशिया कप में पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस रहा या फिर जो अदर गेम्स में भी, मतलब क्रिकेट के अलावा जितने भी गेम्स हैं, अभी एशियन गेम्स चल रहा था उसमें भी पाकिस्तान की रैंकिंग 31-32 के आसपास है और भारत बहुत ही आगे बढ़ रहा है, ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि और सभी गेमों में। तो हमारी जो प्रतिद्वंदिता रही है ऐतिहासिक, वो फ्यूचर में भी ऐसा रहने की संभावना है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी प्रतिद्वंदिता एक इक्वल, नहीं तो आपसे जो ऊपर के हों, ताकि आपका अपना भी स्टैंडर्ड वो ऊपर बढ़ता रहे। तो पाकिस्तान के साथ दिक्कत है, जो अभी का जो वहाँ का सिनेरियो है उसको देखने से तो नहीं लग रहा है निकट भविष्य में उसकी स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन भी गड़बड़ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ खिलाड़ी अच्छे रहते हुए भी जैसे अशरफ नदीम नाम का एक खिलाड़ी था, पाक जेवलिन मतलब सिल्वर मेडलिस्ट है वो, अरशद नदीम सॉरी उसका नाम है, और वो हमारे निखिल चोपड़ा के साथ कम्पीट कर रहा है, नीरज चोपड़ा में नाम, तो उसमें सिल्वर मेडल इसने जीता था और ये अकेले दम पे ये खेल कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इसको ज़्यादा सपोर्ट करने वाले लोग नहीं है जैसा कि उनकी मीडिया खुद कहती है। तो इस हिसाब से तो ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान अभी एशियन गेम्स में भी आप देख सकते हैं कि हॉकी में जो पाकिस्तान की 4 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन हॉकी टीम रही है वो भारत से 10-2 से हारी है, सबसे शर्मनाक हार अभी तक पाकिस्तान की हॉकी टीम की रही। वहाँ की स्थिति जो अभी का है, मिसमैनेजमेंट हर तरफ दिख रहा है, हर तरफ हर गेम में है। अगर कोई अच्छा अरशद नदीम के जैसा कोई अच्छा निकल रहा है तो वो अपने बूते निकल रहा है, उसको भी सपोर्ट नहीं से निकल रहा है, उसको भी सरकार के तरफ से हमको तो नहीं लग रहा है जो कोई सपोर्ट है, वो खुद अपने रास्ता अपना तय किए हुए है। और इसी तरह के खिलाड़ी अगर वहाँ रहते हैं और उसको देश से कुछ मदद मिले, उसको ट्रेनिंग की सुविधा हो, एशियन गेम्स में खेला भी नहीं था, एशियन गेम्स में तो हाँ वो नहीं गया था, अरशद नदीम नहीं गया था इंजरी का प्रॉब्लम, और उसके बदले एक दूसरा खिलाड़ी गया था जो पीछे फिफ्थ 6th 7th पोजिशन पर था। तो अब ये बात हो गई, तो आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप अभी तो शुरुआती दौर है,
तो फाइनल सेमीफाइनल किसको देखते हैं, कौन सी टीम? जो हमारे जो अभी तक गेम्स हुए हैं, मैचेस जो हुए हैं, उसके हिसाब से तो लगता है ये भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल के लिए है, और आगे फोर्थ प्लेस के लिए ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, इसी में टक्कर होगी। क्योंकि जो छोटी टीमें, छोटी कहने का मतलब जो बहुत उतना बढ़िया प्रसिद्ध टीम नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हिम्मत वाला टीम सब है, जैसे अफगानिस्तान हुआ जो कल इंग्लैंड को हरा दिया, या बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तो नीदरलैंड है। अब इस सब में से कौन सी टीम किसको पछाड़ देगा, ये अभी कहना मुश्किल है। तो जो हमने कहा चौथे स्थान के लिए ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका भी कहिए, तो इन लोगों में कौन पीछे हो जाएगा और कौन आगे बढ़ेगा, अभी कहना मुश्किल। आपने सेमीफाइनल के लिए भारत, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को चूज किया, जिसमें भारत ही है जो दो टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। साउथ अफ्रीका चोकर उनका टाइटल दिया जाता है कि बड़े मैचों में वो चोक कर जाते हैं। न्यूजीलैंड उनके हाथ में वर्ल्ड कप आते आते 2019 में रह गया था टेक्निकल उस फॉल्ट पे। लेकिन अब बात है कि जो तीसरे चौथे नंबर की बात है उसमें तीनों वर्ल्ड चैंपियन है और तीनों अभी अपने फुल जो उनकी कैपेबिलिटी है वहाँ नहीं दिख रहे। फिर चाहे वो आपकी इंग्लैंड की टीम अभी दो मैचेस हार गई है, जिस तरह की वो टीम है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद पाकिस्तान भी 1 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। तो जैसे अब इंग्लैंड की ही बात करें तो अफगानिस्तान ने इसको हरा दिया है, तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे भी नहीं है। जब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो भारत के साथ जो मैच हुआ था वो पाकिस्तान के लिए एक तरह से बहुत ही बुरा मैच रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पटकनी दी है वो बहुत ही उनके लिए, मतलब कोई दोनों के बीच में कंपटीशन ही नहीं था उस मैच में। तो इससे क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जा पाएगी? ऑस्ट्रेलिया का देखिए खिलाड़ी अच्छे हैं, लेकिन रिकी पोंटिंग या माइकल क्लार्क का ज़माना नहीं रहा। वहाँ जो तालमेल था, वहाँ जो कैप्टनशिप था, वो एक अलग तरह का था, जिसके बलबूते पर वो आगे बढ़ते गए। केमिस्ट्री खत्म हो गई एक तरह से। आपके समय में ये दिक्कत हो गई है, ये केमिस्ट्री खत्म हो गई है, और थोड़ा सा भी अगर प्रेशर पड़ जाता है तो टीम लुढ़क जाता है। इसीलिए अभी ये चीज़ कहना मुश्किल है कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे रहेगा। अब हम नए टीमों की अगर बात करें तो नए टीमों में अभी भी बांग्लादेश को नया टीम ही कहा जाता है, जबकि उनके पास टेस्ट का ये है स्टेटस दिया गया है। लेकिन अफगानिस्तान मुझे लगता है कि बांग्लादेश से काफ़ी अच्छी टीम है। क्योंकि अफगानिस्तान नई टीम है और उसके खिलाड़ी बहुत सारे देशों में जहाँ क्रिकेट खेला जाता है वहाँ जो IPL के तर्ज पर वो BPL है, बिग बैश है, बहुत सारा तरह का, तो उस सब में भाग लेते रहते हैं, कि जिसके कारण उस देश की स्थिति मतलब पिच कंडीशंस या वो बड़े माहौल में खेलना, ये बड़े माहौल में खेलना और अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेलना, ये सब चीज़ इन लोगों का सीखा पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए ये लोग जानते हैं जो गेम को कैसे चलाए। अब चूंकि नई टीम है, सब जोश खरोश में रहता है और कोशिश भी करता है, जो अगर अच्छी टीमों को हरा दें तो और आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा। बांग्लादेश के बारे में क्या? बांग्लादेश का स्थिति जो शुरुआती स्थिति था उससे वो धीरे धीरे डाउनग्रेड होते गए, और उसका कारण है जो कुछ खिलाड़ी तो उसके बहुत अच्छे हैं, शकीब उल हसन है, तो लेकिन और सब जो खिलाड़ी है वो कभी बहुत अच्छा करता है, कभी जीरो पर ही चला जाता है, तो ये स्थिति वहाँ की बनी हुई है, पता नहीं आपस का तालमेल क्यों बिगड़ा हुआ है। तो अभी जो कंडीशन है उसमें बांग्लादेश का कोई खास पोजीशन नहीं है, वो खेल रहा है, बस खेल रहा है। अब देख लें कि टीम रैंकिंग जो है उसके हिसाब से
जो टेबल है उसमें सबसे नीचे ऑस्ट्रेलियन टीम आ चुकी है, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन रन रेट के हिसाब से अभी दो मैचेज ही खेले हैं, लेकिन फिर भी अगर देखें अफगानिस्तान का ये है वो छठे नंबर पे है पोजीशन, बांग्लादेश तो आज के मैच में फिर थोड़े से चेंजेज आने की उम्मीद है। हाँ, अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो फिर चांसेस तो बहुत अच्छा है। तो अब बात करते हैं एक नई चीज़ों की, जैसे कि टेस्ट वनडे और उसके बाद T20 आया है, तो जो ओलंपिक होने वाले हैं उसके बारे में अभी डिस्कस हो रहा था अमेरिका में, तो वहाँ जो 2028 का लॉस एंजेलिस ओलंपिक, वहाँ पे आपको T20 देखने को मिलेगा। तो आपके विचार से जो इवैल्यूएशन हुआ है या इवॉल्विंग हुआ है क्रिकेट, वो किस तरह से आप देखते हैं उसको? एक्चुअली सभी खेलों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार मिले ये तो होनी ही चाहिए, और जो बहुत बड़ा बड़ी जैसे ICC हुआ या ओलंपिक एसोसिएशन हुआ, BCCI हुआ या और देशों के जो ये मैनेजमेंट है खेलों के, तो सभी को चाहिए जो भी गेम है उसको आगे कैसे बढ़ाएं, इस पर ध्यान देने का। बहुत अच्छा खुशखबरी है जो लॉस एंजेलिस में T20 को मौका मिला। तो दिक्कत क्या होती थी पहले, जो टेस्ट मैचेज जो होते थे वो पाँच दिन के लंबा समय लग जाता था, और उसके बावजूद भी रिजल्ट का कोई ठिकाना नहीं, जीतेगा हारेगा ड्रॉ होगा कहना मुश्किल था। तो एक तरह से लोगों के पास अब इतना समय नहीं रहा जो उतना समय बैठ के कहीं देखे मैच को, जबकि उसका इंटरेस्ट एक अलग तरह का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो टेस्ट मैचेस टेस्ट ही है जो प्लेयर की क्वालिटी को ये करता है, या खिलाड़ियों में अपने में सुधार लाने का भी मौका मिलता है उसको। लेकिन अब तो 50-50 है, T20 है, T10 है, बहुत सारा ये हो गया जो रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसमें जीत हार का 100% चांस रहता है अगर बारिश वगैरह के कारण कोई गड़बड़ी नहीं हो। अब बचता है जो चूंकि शॉर्ट ये पीरियड का गेम है ये सब, तो इसमें चौके छक्के बहुत सारे जाते हैं जो इंटरेस्टेड लोगों को क्रिकेट जो जुड़े हुए हैं उन लोगों का इंटरटेनमेंट अच्छा होता है, तो इसीलिए सभी चाहते हैं कि इस तरह के गेम अगर होते हैं तो अच्छा रहेगा। और ओलंपिक में शामिल होने से ठीक है T20 ही शामिल हो, लेकिन शामिल होने से इसका प्रचार प्रसार, ये भी बात है कि नई नई टीमें भी आएंगी, बहुत सारी टीमें आएंगी। टेस्ट खेलना मुश्किल होता है नई नई टीमों के लिए, वैसा उनके पास ना अनुभव रहता ना वैसा वो खेल दिखा सकते हैं, और वहाँ की दर्शक ऑडियंस भी नहीं देखेंगी, इतना इंटरेस्ट होगा नहीं। अब अमेरिका जैसे देशों में वहाँ की नेशनल टीम होते हुए भी वहाँ के लोगों को पता नहीं होगा कि वहाँ क्रिकेट की भी एक नेशनल टीम है। T20 वहाँ शुरू होगा, उससे वहाँ पे ज़्यादा उत्सुकता बढ़ेगी, और उसको देख अगर शामिल किया गया है तो बहुत सारे देश अभी ही जुट जाएंगे अपने अपने देश में, जो इस खेल में भी हम आगे बढ़ें, तो ये अन्य देशों के लिए भी अच्छी बात है। अब मेरे हिसाब से अगर जापान, चाइना, हांगकांग, नेपाल, सिंगापुर, ये सब, और ये यूरोप के देश, और उसके बाद अफ्रीकन महादेश के देश कई, और साउथ अमेरिका, ये सारी जो देश आएंगे तो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी। जरूर। तो ये था आज का ऑब्जर्वेशन, और अगर और कोई मुकाबला इम्पॉर्टेंट तो अभी हैं तो इसी तरह हम आपके सामने आते रहेंगे ऑब्जर्वेशन देने के लिए, और यहाँ पे बताएंगे एक्सपीरियंस से कि आगे क्या हो सकता है, किस तरह का खेल हमें जरूर, देखने जरूर जब भी इस तरह का मौका मिलेगा मैं ज़रूर इस पर अपना कमेंट दिया करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, आपसे फिर से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आगे शेयर करते रहें। फेसबुक और एप्स पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में वैसे भी लिख सकते हैं। तो चलते हैं, फिर अगली बार एक नए वीडियो के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। We'll be right back.
Thank you.